कब करोगे डिजिटल रैली और कब तक जान मारते रहोगे लोगों को, पैसा देकर के रैलियों में बुलाओगे और जान मारोगे, यह तो नहीं चलेगा। नेताओं पर दर्ज कराओ हत्या का मुकदमा आईपीसी की धारा 302 में, चाहे पीएम मोदी हो या फिर सीएम योगी, प्रियंका राहुल हो अथवा अखिलेश, ममता बनर्जी हो अथवा अन्य नेता, जान मार रहे हैं पब्लिक का। उसके बाद भी सूझ नहीं रहे क्योंकि सर पर भूत चढ़ा हुआ है, चाहे सत्ता के कार्यकर्ता हो चाहे विपक्ष के, पता नहीं देश कहां जाएगा। कई लोगों को मार डाला इन लोगों ने, हत्या कर दिया, परिवार उनका कहां जाएगा, कैसे भरण पोषण होगा। लेकिन डिजिटल रैली नहीं करेंगे। किनकी किनकी हत्या किया इसको बता रहा हूं, और किस तरह से पेट्रोल डीजल का दहन हो रहा है, इतना महंगा पेट्रोल और डीजल, लगातार महंगाई बढ़ेगी ही, लेकिन रैली में जब तक लाखों की भीड़ नहीं होगी तब तक भाषण कैसे करेंगे। मैं लोगों से कहूंगा कि बैरिकेड मत तोड़िए, बैरिकेड मत तोड़िए, सब लोगों से कहेंगे बैरिकेड मत तोड़िए पहले, चाहे बबुआ जी हो चाहे बुआ जी हो, राहुल बाबा हो या प्रियंका हो, छोटे बाबा हो या बड़े बाबा, भाषण तो तभी होगा जब कम से कम 1 लाख की रैली होगी, लेकिन जान मार डालेंगे। विद्यालयों को बंद करा करके रैलियां होगी, जितनी भी रैलियां होती हैं विद्यालय बंद, सत्ता तो बंद करा ही देता है, विपक्ष के भी अगर विद्यालय है तो अभी विद्यालय बंद होते हैं। 500 रुपया मैंने कहा था, 500, 700, 200, जैसी भी स्थिति हो कुछ उसी में बिचौलिया मार लेता है, जो थलित है, थलित थलित एक शब्द पहले आता था, तो जो दलाल है इन्हीं कार्यकर्ताओं में से दलाल भी पैदा होंगे। दलाली करता है कि हम इतने ले आएंगे, 2 बस का, 1 बस का, इतनी गाड़ी का, और वह फिर पैसा देता है, ले आता है। हमने डिजिटल रैलियों के बारे में अब हम बता रहे हैं, कौन लोग मरे हैं, दरोगा जी चले गए, सिपाही जी की हालत बिगड़ी, कप्तान साहब एसी में हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, बच गए, लेकिन 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। कल मैंने पूछा था, वाराणसी में ही हूं, पूछा, योगी जी के का काफिला निकल रहा था और उस समय 20-25 मिनट पहले से ही यातायात को रोक दिया गया था, जाओगे कहाँ। अगर कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल की लाइट जलाया था तो उसे भी बुझवा दिया गया, क्योंकि यह 7:30 का समय रहा होगा जब वह DLW के तरफ से BHU के तरफ जा रहे थे, मैं भी उसी में फंस गया था, हमारे ऑटो वाले ने रोक लिया। हमने पूछा दीवान जी से कि दीवान जी कितनी ड्यूटी है, कहा साहब 30 तारीख तक और है, फिर चुनाव में तो हो सकता है, लेकिन साहब 24-24 घंटे, यह मत पूछिए कि कितना रेस्ट मिलता है, कहीं जगह नहीं है। बाहर के पुलिसकर्मियों को बुला करके जब भी प्रधान सेवक आएंगे तो 10-15 डिप्टी SP लगेंगे, 4-5 IPS अफसर लगेंगे, सारे अधिकारी। कल मैंने देखा IG जो जिन गाड़ियों पर 2 स्टार लगा होगा आगे, 2 स्टार तो वह IG का है, 1 स्टार लगा होगा तो DIG का है, 3 स्टार लगा होगा तो ADGP और DGP का है। एक गाड़ी IG की भी थी, हुजूर AC में बंद था, जाहिर सी बात है बंद रहेगा भी सुरक्षा के कारणों से भी, लेकिन ये महाराज काहे नहीं डिजिटल रैलियां कर रहे हो, डिजिटल रैली कर देते एक जगह से, आपको सभी देखते हैं और यह मीडिया के लोग दिखाते, एक जगह से कर देते सब देखते, लेकिन नाश करना है प्रदेश और देश का, देश को और भी कंगाल करना है। बीफ कंपनियों से भी चंदा लोगे, दवा कंपनियों से, ऐसी दवा कंपनियों से चंदा लेने का काम करोगे जिनकी दवाएं फेल हो गई हैं, हार्ट की दवाएं हैं, कैंसर की दवाएं हैं जो फेल हो गई, उन कंपनियों से भी आप चंदा लोगे, पता नहीं शर्म कब आएगी। बेशर्म कहते हुए मैं अपने आप को शर्मिंदित महसूस कर रहा हूं, कैसे कहूं कि बेशर्म हो। मैंने 14 जुलाई 2018 को एक रैली किया था राजा तालाब में, जब प्रधानमंत्री जी थे, राम नाईक जी उस समय थे, यहाँ के राज्यपाल थे और योगी जी थे, चढ़ करके किया था जैसा कि मैंने दिखाया। उस हड्डी पसली हमारी समझ में नहीं आती, इतना कूचते लोग,
लेकिन भगवान की मर्जी कि उसी रैली में से एक तबका ऐसा था जिसने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिजिटल रैलियां होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब डिजिटल इंडिया के युग में डिजिटल रैलियां होनी चाहिए। अखिलेश यादव, वैसे तो सभी की रैलियों में मरना जीना हुआ है, घायल हुए हैं लोग, दुर्घटनाएं होती हैं, कोई रैली बाकी होती है क्या जिसमें हाथ पैर न टूटता हो? टूटेगा ही, जाम लगेगा, मरीजों की मौतें होगी, लोगों की ट्रेन छूटेगी, लोगों की फ्लाइट छूटेगी, कोई विदेश जा रहा है, कोई देश के किसी कोने में जा रहा है, रोजी रोजगार के लिए जा रहा है, इनसे क्या मतलब? जितना जाम लगेगा उतना ही मजा आएगा, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। मैं लिखा पढ़ी में इस बात को भी प्रधानमंत्री जी को दिया था कि बंद करिए, हमारी शिकायत दर्ज करके उसको खारिज कर दिया गया। गरीब देश है हुजूर, 5 रुपया पाती हैं महिलाएं ना, और लोग पाते हैं तो चले जाते हैं रैली में, उन्हें नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो, उन्हें नहीं पता कि रैली का मतलब क्या है। मतलब यह है कि टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि किसी तरह से मिल जाए जल्दी, प्रधान जी ले जाएंगे और वहाँ के जो क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं वह ले जाएंगे और फिर बसें जाएंगी। मैंने बताया था आरटीओ कैसे आरटीओ साहब पकड़ता है और फिर दरोगा जी पकड़ता है, डीएसपी साहब निकलता है रैलियों के लिए, बसें पकड़ी जाती हैं। अब ट्रैक्टर वैक्टर से तो जाना नहीं है, पहले जाते थे लोग, पहले मौज था, जाने का मौज था, सुनने जाते थे, अब जाते इसलिए हैं कि हमें मिल जाएगा 500 रुपया, नमक तेल का कुछ काम चलेगा, यही न है। तो आइए, यह मोहम्मदाबाद गोहना के दरोगा हैं शिवधनी यादव, और इनकी ड्यूटी लगी थी चंदौली में। अगर डीजीपी इनकी ड्यूटी के बारे में निकाल लें कि कब से लगातार ड्यूटी कर रहे हैं तो पता लग जाएगा, डीजीपी पर भी अपराध दर्ज होना चाहिए, डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक पर भी सुसंगत धाराओं में अपराध इसलिए पंजीकृत करना चाहिए कि इन्होंने असीमित ड्यूटी लिया है अपने दरोगा सिपाही और प्रधान आरक्षी तथा अन्य अधिकारियों से। सभा में मैं लोगों से कहूंगा कि बैरिकेड में तोड़िए, बैरिकेड में तोड़िए, सब लोगों से कहेंगे बैरिकेड में तोड़िए, पहले पीछे चलिए। अरे भाइयों, बैरिकेड तोड़िए, बैरिकेड तोड़िए, दर्ज होना चाहिए। एक बार ब्रिजलाल के समय में ट्रेनिंग में दौड़ाया गया था, उन लोगों को मैंने कहा ब्रिजलाल पर दर्ज करो मुकदमा, आज सत्तासीन दल के साथ हैं, डीजीपी थे, दौड़ाया गया था। मैंने कहा था पूछ लो, बात करो कि कब इनकी रवानगी हुई है थाने से, कब निकले हैं थाने से, और रात भर ट्रेन में धक्का खाते हुए खड़ा होकर के गए, किसी के सीट पर लेट गए, वहाँ विवाद हुआ और फिर आकर के दौड़ा दिए, मरेंगे ना तो करेंगे क्या, कई लोग मर गए थे, फील्ड में मर गए थे। तो यह दरोगा जी हैं मोहम्मदाबाद गोहना के कोतवाली में हैं शिवधनी यादव, चंदौली के पॉलिटेक्निक मैदान में इनकी ड्यूटी लगी थी, जनसभा थी अखिलेश यादव की, और यह गस खा करके गिर गए, चले गए। इसके मूल में है कि हार्ट अटैक हुआ होगा, इसके मूल में है कि पानी नहीं मिला होगा, नहीं मिलता है इन्हें पानी, नहीं मिलेगा इन्हें नाश्ता। और दूसरा मामला हमारा गाजीपुर का है, रैली में अचेत होकर के गिर पड़ी थी रीता और हॉस्पिटल जाते जाते उनकी मौत हो गई। हालांकि तत्कालिक मामले यह समाजवादी पार्टी के रैली का ही, अखिलेश यादव की रैली वहां भी थी जहां आरटीआई मैदान में वो रैली कर रहे थे। यह तात्कालिक सूचनाएं हैं, कल की हैं, लेकिन यह नहीं है कि कोई बचा है, सबने जान मारा है। पता नहीं कब विवेक जागृत होगा, पीएम को सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, यूपी के सीएम को सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, अमित शाह को सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, अखिलेश यादव को सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, प्रियंका गांधी को सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, राहुल गांधी को सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि। कब करोगे डिजिटल रैली और कब तक जान मारते रहोगे लोगों को, पैसा देकर के रैलियों में बुलाओगे और जान मारोगे, यह तो नहीं चलेगा। डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप का युग है और सभी एक एक बाल आपका देखते हैं कि कैसा है, उसके बाद भी रैलियां लोगों को बुला करके की जाएंगी, पेट्रोल और डीजल का दान होगा, लोगों का नाश होगा, यह कब तक चलेगा? आज नहीं कल यह तो होगा ही, लेकिन चिल्लाना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम इन सभी राजनीतिक दलों पर, हत्या का मुकदमा जो भी नेता है, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे बबुआ जी हो, चाहे बहन जी हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे राहुल हो, चाहे ममता बनर्जी हो। प्रणाम।